Hey everyone, welcome to my channel. In today's video, I am going to show you this beautiful eye makeup look. So, अगर आपको देखना है how to get this look, then please keep on watching. सबसे पहले मैं use करूँगी Maybelline का Tattoo Brow on my eyebrows. तो ये eyebrows को बहुत अच्छे से hold करता है and also it is tinted. So, अगर आपको बहुत सारा product नहीं use करना है, बहुत quickly eyebrows को fill in करना है, then this is a very good product. इसके बाद मैं अप्लाई करूँ कंसीलर फॉर दैट एम यूजिंग मिलानी का कंसीलर ब्रश के लिए मैंने प्रो आर्ट का कंसीलर ब्रश ब्रश यूज़ किया है ब्राउज के नीचे मैं शार्प एज क्रिएट करूँगी एंड पूरे आई पे कंसीलर को ब्रश के साथ स्प्रेड कर लूँगी आई शेडो अप्लाई करने से पहले मैं कंसीलर यूज़ करूँ एंड माई आई इससे मुझे इवन टोन आई मिलेगा जो कि काम करेगा एज माई आई बेस एंड उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी विथ ए ब्यूटी ब्लेंडर सो ये जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो सोक ऑफ कर लेगा और बहुत अच्छा सा एक बेस क्रिएट करके देगा एंड सेट कर लूंगी विथ सम लूज पाउडर यहाँ पे मैंने पैक का लूज पाउडर यूज किया है एंड इसके बाद मैं आई शेडो पैलेट के लिए यूज कर पैक का टेक कवर आई शेडो बुक इसमें आपको एट्टी फाइव शेड्स मिल जाता है सो दिस इज एडो पैलेट So, अगर आपके पास ये पैलेट नहीं है देन आप जो भी कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिमिलर कलर किसी और पैलेट से भी यूज़ कर सकते हो सो so, यहाँ पे मैं एक ब्रश के साथ आउटर बी पे पिंक शेडो को अप्लाई कर रही हूँ और जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अमेजॉन पे चल रहा है इंडियाज़ बिगेस्ट सेल अमेजॉन प्राइम डे सेल फ्रॉम फिफ्टीन टू सिक्सटीन जुलाई जिसमें आपको एट्टी परसेंट तक डिस्काउंट मिल जाएगा फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स पे एंड ऑल्सो अगर आप फर्स्ट टाइम परचेस करोगे तो आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट तक कैशबैक भी मिलेगा सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो इसके बाद जो ग्रीनिश कलर है उसको मैं एक, एकदम स्मॉलर ब्रश में लेके सेंट्रल लीड पे अप्लाई करूँ एंड आउटर व्यू पे भी अप्लाई करूँगी सो so, मैं एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जो पिंक शेड अप्लाई की हूँ उसके ऊपर से ये ग्रीन शेड अप्लाई कर लूँगी और आप देखोगे ये दोनों शेड मिल के थोड़ा सा डार्कर काइंड ऑफ शेड क्रिएट होगा जो कि मुझे एक्चुअली अच्छा लगने लगा था दैट्स दैसवाई मैं ऑलमोस्ट पूरा ही कवर कर दी हूँ सो so, यहाँ पे मैं ग्रीन शेडो को धीरे धीरे अप्लाई कर रही हूँ और जब इनर कॉर्नर के साइड पे अप्लाई करे तो थोड़ा कम प्रोडक्ट जब रहे ब्रश में तब अप्लाई करे सो so, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके मैं कलर को इंटेंसिफाई कर रही हूँ और जहाँ पे भी मुझे लग रहा है मुझे अप्लाई करना है वहाँ पे मैं अप्लाई करूँ सो so, आप देख सकते हो मैं अभी आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँ आउटर वी पे एज ए यू नो आई शेप क्रिएट करी सो so, ये पैलेट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसके साथ मैं काफ़ी सारा वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ सो so, ये सब फ्यूचर में भी आपको देखने को मिल सकता है इस पैलेट के साथ बिकॉज़ आई लव दिस पैलेट और इसमें बहुत सारा कलर ऑप्शंस है सो so, अगर आप ब्यूटी पार्लर का काम करते हो या फिर मेकअप आर्टिस्ट हो तो so, आप इस पैलेट को ट्राई कर सकते हो दिस इज़ ए रियली नाइस पैलेट और आपको ऑलमोस्ट एवरी शेड मिल जाएगा इसके बाद मैं ग्रीन शिमरी शेड को अप्लाई करूँ सो so, इसको मैं इनर वी सेक्शन पे अप्लाई करूँ सेंट्रल लीड टू इनर वी सेक्शन तक सो so, इसको एक फ्लट ब्रश के साथ अप्लाई करें इवन यू कैन यूज़ योर फिंगर उससे आपको ज़्यादा इंटेंस कलर मिल जाएगा सो इनर कॉर्नर तक मैं इसको अप्लाई करूँगी और ये शिमरी शेड काफ़ी पिगमेंटेड है और आप देख सकते हो बहुत कम इस पैलेट में फॉल आउट है बहुत ही कम फॉल आउट है बट है थोड़ा बहुत किसी किसी कलर्स में फॉल आउट है सो so, मैं ओवरलैप भी कर लूँगी प्रीवियस शेड के साथ थोड़ा सा अगेन मैं आउटर व्यू को थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर रही हूँ विद डैट ग्रीन शेड जो कि मैट शेडो था उसके बाद आउटर वी को थोड़ा सा शार्प कर लूंगी थोड़ा सा क्लीन कर लूंगी दैट कंसीलर और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ आई फॉर दैट आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का पेन आई -लाइनर. सो so, इसके साथ मैं एक विंग्ड आई लाइनर क्रिएट करूँगी और दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट मैं अगर बिगनर हो तो मैं इसको रिकमेंड करूँगी आपको सो पेन आई लाइनर के साथ थोड़ा सा ईजी हो जाता है आई लाइनर क्रिएट करना बिकॉज आपको यू नो डिप करना नहीं पड़ेगा आप आप जितना टाइम चाहे उतना टाइम लेके आई लाइनर ड्रॉ कर सकते हो लिक्विड आई लाइनर में हर बार आपको डिप करना पड़ता है इसके बाद मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेब्लिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन दी शेड मोल्टन गोल्ड इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन पे अप्लाई की हूँ लोअर वाटर लाइन पर मैं मामा अर्थ का कोल काजल अप्लाई कर रही हूँ सो यहाँ पे आप ग्रीन काजल भी यूज़ कर सकते हो वो भी अच्छा लगेगा इस लुक के साथ इसके बाद मैं जो ग्रीन मैट शेडो था उसको लेके लोअर लाइन पे भी अप्लाई करी और शिमरी शर्ट को एकदम इनर कॉर्नर के साइड पे अप्लाई कर दूँ सो so, यहाँ पे मैं मस्कारा लगाने भूल गई एक्चुअली लिटरली भूल गई हूँ अगर आप इस लुक को क्रिएट करते हो तो डोंट स्किप मस्कारा मस्कारा से और अच्छा लगेगा ये लुक सो दिस इज द फाइनल फिनिश्ड लुक आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये ओवरऑल लुक अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मैं आपको फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय